हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक आलू का बहुत ही चटपटा और बहुत ही कुरकुरा सा नाश्ता जिसको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट तो बिल्कुल इसका समोसे जैसा ही आने वाला है और डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट है तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल उसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है डेढ़ कप मैदा तो यहाँ पे मैंने डेढ़ कप मैदा ले लिया उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन को हाथों से ऐसे क्रश करके फिर हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक अजवाइन और मैदे को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल मोयन के लिए तो यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है और ऑयल और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से पहले अभी सूखा ही इसको मिला लेंगे और देखिए मोयन चेक करने के लिए हम ऐसे इसकी बाइंडिंग बना के देखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट मोयन है मतलब इसकी बाइंडिंग आ जा रही है टूट नहीं रही है उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसका एक डो तैयार करेंगे देख रहे हैं ना ये मतलब बहुत सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है अब हम इसको पाँच से दस मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे फिर मैंने एक कढ़ाई ली है उसमें थोड़ा सा तेल डाला है आधे छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा डाला है फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने धनिया को ऐसे क्रश करके डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सौंफ डाली है इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से मूंगफली डाले इसको भी हम भून लेंगे फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर डाला है थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश काजू को मैंने थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया है छोटा छोटा बारीक बारीक काजू किसमिस ऑप्शनल है आप चाहे तो डालें नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद मैंने आधी छोटी चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाली है फिर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे गरम मसाला और इन सबको भी हम अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पे चुटकी भर यहाँ पे हल्दी डाली है। हल्दी मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है फिर मैंने यहाँ पे उबला हुआ आलू लिया था उसको मैश कर लिया है चार से पांच उबले हुए आलू हैं उबाल के मैश करके रखा था मैंने फिर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे मसालों में उसके बाद टेस्ट अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है तो नमक के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच अमजूर पाउडर भी डाला उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे बस इसको थोड़ी देर तक पाँच से दस मिनट तक अच्छे से आलू को भून लेंगे उसके बाद फिर हम हरा धनिया इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी स्टफिंग बन के रेडी है अब हम रखते हैं इसको एक साइड उसके बाद फिर मैंने एक कटोरी में यहाँ पे दो चम्मच ले लिया है मैदा और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक स्लरी बना लिया है घोल बना लिया है तो ये देखिए इस टाइप का और फिर यहाँ पे मैंने जो आटा लिया था वो पाँच से दस मिनट हो गए तो अब हम उसकी छोटे छोटे पेड़े कट करेंगे मतलब मैंने उसको दो भाग में पहले डिवाइड किया है उसके बाद फिर मैंने इसको चार भाग में फिर मैंने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सूखा मैदा डस्ट किया है बोर्ड पे और उसके बाद इसका हम एक बड़ा सा रोटी बना लेंगे जैसे बड़ी सी हम रोटी बनाते हैं ना वैसे हम इसको बना लेंगे उसके बाद मैंने एक कटोरी ली है और उसको ऐसे हम रख के और दो छोटी छोटी जो पूड़ियाँ होती हैं रोटी वैसे हम कट कर लेंगे पूड़ी के शेप में इसको हम लोई से भी ऐसे बना सकते थे लेकिन कटोरी से कट करने पे क्या होता है कि ये सेम साइज़ का इक्वल साइज़ का बन के तैयार होता है उसके बाद फिर एक जो पूड़ी है उसको हम ऐसे बीस से और जैसे मैं ये ऐसे चक्कू की हेल्प से कर रही हूँ ना वैसे एक स्ट्रिप लगा देंगे आगे का और पीछे का नहीं कट करना है बस बीच में ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस में ऐसे स्ट्रिप बना लेने हैं उसके बाद ये जो मैंने स्लरी बना के रखी थी वो हम इस पर लगा देंगे और जो दूसरी वाली पूड़ी थी उसको हम उसके ऊपर रख लेंगे फिर देखिए इसके बाद हम इसमें जिधर से स्ट्रिप नहीं था उस साइड से हम इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे और ऐसे दबा देंगे तो ये खुलता नहीं है आप चाहे तो यहाँ पे मैं देखिए जो स्लरी बना के रखी है ना वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं वैसे ये खुलता नहीं है तो यहाँ पे देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने ऐसे निकाल लिया है और उसके बाद ये ऐसे फोल्ड करके और थोड़ा सा मोड़ देंगे अंदर के साइड में ना तो ये खुलेगा नहीं बिल्कुल भी तो थोड़ा सा पतला करके और ऐसे मोड़ देंगे अंदर अंदर को तो बिल्कुल भी इसकी स्टफिंग निकलेगी नहीं उसके बाद जो साइड साइड के किनारे हो उनको ऐसे हम जोड़ देंगे ये देखिए बिल्कुल लहजें तो इसी तरह से अब हम दूसरा बैच भी बना लेंगे मतलब यहाँ पे मैंने स्टफिंग ली है उसी तरह फिर मैंने बीच में फिल किया है किनारों को थोड़ा सा निकालते हुए और इसको अंदर के साइड में ऐसे हम लॉक करेंगे ऐसे निकालते हुए लॉक करने से क्या होता है ना कि अंदर के साइड में ये बिल्कुल लॉक हो जाता है और स्टफिंग बाहर निकलने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं और बस इसके साइड्स के किनारों को ऐसे निकालते हुए और बस इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ पे चाहे तो आप थोड़े से मैदा की स्लरी यूज़ कर सकते हैं जो हम बना के रखे हैं जोड़ने के लिए किनारों को और क्योंकि ये तेल में फिर निकलेगा नहीं और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए तो कढ़ाई मेरी बिल्कुल गरम है और जब गरम हो जाएगी ना फिर हम फ्लेम मीडियम कर देंगे लो पे भी नहीं करेंगे हाई पे भी नहीं करेंगे हाई पे क्या होगा कि अंदर से तो ये कच्चा रह जाएगा लेकिन ऊपर से आपका कलर आ जाएगा तो इसको हम हाई पे भी नहीं करेंगे और लोपे भी बिल्कुल नहीं करेंगे तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे और जब नीचे से ये कलर आ जाए ना गोल्डन कलर का तभी हम इसको पलटेंगे हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है आराम से कुक करना है मीडियम फ्लेम पर और इस वजह से ना ये मीडियम फ्लेम पर पकाने की वजह से ये ना थोड़ा तो क्रिस्पी भी बनता है तो बस यहाँ पर एक साइड से जब ये पक जाए तो इसको हम पलट देंगे तो ये देखिए हमारे एक साइड से एक कलर आ गया था फिर मैंने इसको पलट दिया तो इसी तरह हम पलटते पलटते हुए से इस कलर में जब आ जाए ना फिर हम इसको निकाल लेंगे तो ये देखिए हमारा स्नैक्स बन बिल्कुल रेडी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय